नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, महापौर गीता अग्रवाल, सभापति रवि जैन, महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले भर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे लेकर मल्हार रोड पर स्थित शीलनाथ धूनी में भी दिवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और उनकी माताजी एवं जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पौधा लगाया गया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि एक पेड़ मां के नाम लगाया जाए। दोनों कार्यक्रम बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुए। उसी तरातमे में यह पेड़ लगाया गया। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया आह्वान बहुत महत्वपूर्ण है। सभी इस आह्वान पर काम करते हुए अपनी मां के लिए एक पेड़ लगाना चाहिए। जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिए गए बलिदान पर हम इस पौधारोपण के माध्यम से श्रद्धांजलि देने वाले हैं। दिवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हमने एक संकल्प लिया है कि हम वृक्षारोपण के नाम से एक पौधा माँ के नाम का पौधे का वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे और 6 जुलाई तक ये पखवाड़ा चलने वाला है। निश्चित रूप से इस माध्यम से हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने धारा 370 के लिए इस देश में आंदोलन किया और आज वो समाप्त हो गई है, तो हम इस पौधारोपण के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले हैं। हमारे संस्थापक जिनके नेतृत्व में पूरे देश में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता काम करते हैं, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। भारतीय जनता पार्टी मंडल से लेकर जिला, जिले से लेकर राज्य और केंद्र तक उनके बलिदान दिवस को मना रही है। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमें एक कार्यक्रम दिया है, आज उनके बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई को उनका जयंती है। इस पूरे समय में हमें एक पौधा माँ के नाम लगाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और पूरी नगर निगम इस कार्यक्रम को पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए हम पूरे 45 वार्डों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। और आज मैं पूरे नगर निगम परिवार की ओर से हमारे संस्थापक प्रमुख आदरणीय मुखर्जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम प्रत्येक घर से पौधा लगवाएँ और उसको नगर निगम पूरी ईमानदारी से करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है आज और पौधारोपण भी किया, कहीं ना कहीं एक नया अभियान भी चालू किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान दिवस है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम, दोनों ही कार्यक्रम आज यहाँ पर बहुत सफलता के साथ सम्पन्न हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत अपनी माँ के लिए पेड़ लगाया है। मैं स्वयं भी अपनी माताजी को साथ में लेकर आया था। यहाँ पर एक त्रिवेणी को रोपा गया है। माँ का स्थान जीवन में जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान पेड़ का भी जीवन में है। पेड़ हमारा जीवन होते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया आह्वान बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को इस आह्वान पे काम करते हुए अपनी अपनी माँ के लिए एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।